हेलो गाइस, तो मैं नाम अभिषेक है और आज आईपीएस क्लर्क का मेरा एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में। मैंने सेल्फ गिवन एनालिसिस अपने चैनल पे शेयर किया है। दरअसल बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सर मैंने 78 अटेम्प्ट्स किए हैं, भैया मेरे 88 अटेम्प्ट्स है, दिल्ली से हूँ मैं, मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, सर मेरे 82 अटेम्प्ट्स हैं, क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो मेंस की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ। लोग को ये डाउट है कि मेंस की तैयारी करना की चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप लोग ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं अगर आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इवन इफ अगर आपका क्लियर नहीं भी होता है तो आपके पास और कोई ऑप्शन है? मेंस की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ऑलरेडी 3 एग्ज़ाम्स इस साल के कम हो चुके हैं लगभग, अभी 2 तारीख को हो जाएगा लास्ट जो डे है, तो आपके RRB क्लर्क, RRB PO और IPS क्लर्क ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है। और अब आपके पास सीधा IPS PO है जो कि अभी 1 महीना टाइम है उसको, तो आप सिर्फ प्री 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 करते रह जाएंगे तो मेंस कब करेंगे? सपोज़ कीजिएगा आपका प्री क्लियर हो जाता है तो फिर आप रिग्रेट करेंगे कि मेंस नहीं पढ़ा। अगर आपका क्लियर नहीं भी होता है तो कोई मेंस वेस्ट थोड़ी जाएगा। IPS PO का अगर आपका प्री निकल गया, और मे बी SBI क्लर्क 2 महीने बाद आएगा, उसका प्री निकल गया, तो यही मेंस की तैयारी आपके काम आएगी ना। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और जिन लोगों को भी डाउट है सर कट ऑफ क्या जाएगा, तो देखिए मैं पिछले 3 साल से IPS क्लर्क की एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मैंने 2021 में भी दिया है, 2022 में भी दिया है और इस साल भी दिया है। मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, ठीक है ना। पिछले दोनों साल कट ऑफ इंक्रीज़ ही हुआ है, ना सेम रहा है ना कम हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट टू लास्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर में कट ऑफ बढ़ी है, जबकि दोनों साल वैकेंसीज अच्छी खासी थी। बट इस साल के अगर आप देखें तो वैकेंसी आधी हो चुकी है, कुछ कुछ स्टेट में लिटरली हाफ वैकेंसीज है, कुछ कुछ में सेम भी है। तो उससे ये मालूम पड़ता है कि कट ऑफ रिलेट तो करती है, मतलब कट ऑफ प्रोपोर्शनेट तो है आपके वैकेंसी से, मतलब प्रोपोर्शनल टू है, तो कट ऑफ आपकी बढ़ेगी नहीं भी, अगर आप रेयर केस में मान लें कि नहीं बढ़ेगी तो कम भी नहीं होगी, लगभग उतनी ही रहेगी जितनी लास्ट ईयर थी। और लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी? 80 के अराउंड थी, कहीं कहीं पे 82, 83, 85 ऐसे कट ऑफ थी लास्ट ईयर। तो इस साल भी कट ऑफ का रेंज वही 80s के रेंज में रहेगा, मतलब कट ऑफ का जो रेंज है वो 80 to 85 ही रहेगा। तो अभी कोई बोलता है समय 71 अटेम्प्ट्स हैं, चांसेस हैं, अब गलत होप दे के कोई फ़ायदा नहीं है ना। मेरा कोई ऐसे पेड चैनल भी नहीं है कि मैं झूठ बोल दूँ कि हाँ 70 75 अच्छा अटेम्प्ट है, आप मेंस की तैयारी कीजिए, मेरा कंटेंट तो मुझे बेचना नहीं है, जेन्युइन चीज़ बताऊँगा। 80 अटेम्प्ट है आपके तो बहुत अच्छा है, मैं जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ। बाकी आप अगर OBC SC ST से हैं तो उस हिसाब से एक दो तीन अटेम्प्ट कम कर लीजिएगा। मैं जनरल कैटेगरी बात करूँ तो अगर आपके 80 अटेम्प्ट हैं उसके ऊपर हैं तो आपका बहुत अच्छा चांस है सिलेक्शन होगा, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। वरना नहीं होने को तो 90 अटेम्प्ट वाले भी क्लियर नहीं कर पाते, ये भी मैंने देखा है कि 95 वाले भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। 2021 की बात है, आप खुद एनालिसिस देख लीजिएगा, 90 90 अटेम्प्ट करके आए थे कुछ बच्चे एक शिफ्ट में, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और 80 वालों का हो गया था, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन भी एक रोल प्ले करता है, 75 वाले का भी हो सकता है, किसी एक दो शिफ्ट बहुत हार्ड है ये बोलते हैं मैथ्स और रीजनिंग, तो 75 वाला भी क्लियर कर सकता है, और जिसकी शिफ्ट ईजी आई है तो उसका 85 वाला भी क्लियर नहीं भी कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो सेफ कोई नहीं है, है ना। बट अगर आप 70 अटेम्प्ट या 70 से नीचे है तो डेफिनेटली आप आगे की तैयारी कीजिए, और मेंस की तैयारी तो आप करिए यार। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि मेंस की तैयारी करना है कि नहीं करना है, मेंस तो करना ही करना है, साथ में प्री करना है कि नहीं करना है ये सोचिए आप। प्री को 1 2 घंटा दीजिए दिन का, मॉक दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए और मेंस की तैयारी साथ में कीजिए। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो मैं बोलूँगा कि आप प्री पे फोकस कीजिए, कि आपने 1 ही महीना हुआ आपको तैयारी करते हुए और अभी मैं मेंस का सजेस्ट करूँ तो नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी 6 महीना या 1 साल हो चुका है और फिर आप सोच रहे हैं कि अभी जब प्री निकलेगा तब मैं मेंस की तैयारी करूँ, तो गलत है। उसको तो मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए। और जो बिगिनर जिनका 1 2 महीना ही हुआ है वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है कि वो प्री की तैयारी अभी अच्छे से करें, पहले प्री इंप्रूव करें फिर मेंस पे आएँ। बट जिनको 6 महीने या 1 साल हो गए हैं लगभग, तो उनको अभी मेंस की तैयारी साथ साथ में करते रहनी चाहिए, क्योंकि फिर मेंस को टाइम नहीं मिलेगा। अभी आपके पास टाइम है, आप 1 2 महीना मेंस को दे सकते हो। मे बी आपका IPS PO क्लियर हो गया या SBI क्लर्क का प्री क्लियर हो गया तो मेंस को फिर टाइम नहीं मिलेगा, ये अभी आपके पास अच्छा टाइम है, ठीक है। तो यही मुझे कहना था, बाकी जैसे भी आपको लगता है आप अपना रिव्यू शेयर कीजिए, और थैंक यू, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।